फिल्म की शुरुआत में हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है जहां रेक्स और वाकिन पिक का शिकार करने आए थे। वही मेगाबुआ स्नेक आकर रेक्स को अपना शिकार बना लेता है, इसलिए वाकिन जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन उसका पीछा मेगाबुआ कर रहा था। वाकिन किसी तरह बीच पे पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी बोट खराब हो गई है। अगले सीन में एक हेलीकॉप्टर से कुछ लोग उसी जंगल में आते हैं। ये रिसर्चर्स की टीम थी जिसमें टोटल 6 लोग होते हैं और इन्हें डॉक्टर मेलोने लीड कर रहे थे। बाकी 5 लोगों का नाम एलिसन, ग्रेस, बेंजी, जेसन और एडम होता है। वही रात में जब ये बैठकर बातें कर रहे थे तब वहां वाकिन आता है। एलिसन उसे गन पॉइंट पर लेती है, लेकिन वाकिन बताता है कि उसे हेल्प चाहिए। इसके बाद वाकिन उन्हें सब कुछ बता देता है, लेकिन मेगाबुआ के साइज के बारे में नहीं बताता है। तब डॉक्टर मालोने कहते हैं कि परसों उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर आने वाला है, तब तक वो उनके साथ रहे। अब इनके पास एक्स्ट्रा टेंट नहीं था, इसलिए वाकिन सोने के लिए बीच एरिया में चला जाता है। अगले दिन जब डॉक्टर मालोने अपने शूज पहनते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनके शूज में एक जहरीला स्पाइडर छिपा होता है जिसने डॉक्टर मालोने को बाइट कर लिया था। तब उनके स्टूडेंट्स उन्हें फर्स्ट एड देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां वाकिन आता है और उससे जब सारी चीजें पता चलती है तो वह कहता है कि डॉक्टर मालोने को जरूर हॉर्नेट स्पाइडर ने काटा होगा। बिना प्रॉपर इलाज के डॉक्टर मालोने के पास सिर्फ 36 घंटे हैं। ये जानकर डॉक्टर मालोने हेलीकॉप्टर कंपनी में फोन करते हैं जहां उनकी बात रीटा से होती है, और डॉक्टर मालोने रीटा को बताते हैं कि उन्हें किसी जहरीली स्पाइडर ने बाइट कर लिया है, इसलिए उनके लिए अभी ही हेलीकॉप्टर भेज दिया जाए। मगर रीटा कहती है कि यहाँ की वेदर कंडीशन खराब है, इसलिए वो भी हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकती, और वेदर रिपोर्ट के मुताबिक परसों तक मौसम साफ हो जाएगा। वाकिन को लगता है कि तब तक तो शायद मालोने अपने पैर खो चुके होंगे, इसलिए वो उन्हें एक हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में बताता है, मगर इसके लिए उन्हें जंगल के अंदर जाना होगा जिसमें उन्हें आधा दिन का वक्त लग सकता है। बेंजी फैसला करती है कि वो मालोने की देखभाल के लिए उनके साथ वहीं रुकेगी और बाकी लोग वाकिन के साथ उस ऑर्चिड को लेने के लिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये लोग मालोने से दूर आ चुके होते हैं और काफ़ी देर के बाद ये लोग ऑर्चिड के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां वाकिन के अलावा सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऑर्चिड के पेड़ पे बहुत सारे स्नेक्स थे। वाकिन कहता है कि हमें इन स्नेक्स को बिना उकसाए ऑर्चिड लेकर जाना होगा, मगर वाकिन खुद पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है क्योंकि उसके नीज में चोट लगी हुई है। मगर एडम पेड़ पर चढ़कर ऑर्चिड लेने के लिए राजी हो जाता है। तभी वहां मेगाबुआ स्नेक आ जाता है। इन लोगों ने आज से पहले कभी भी इतना बड़ा स्नेक नहीं देखा था, इसलिए सारे डरकर भागने लगते हैं, और जब ये भागना बंद करते हैं तो मेगाबुआ स्नेक के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तभी एडम नोटिस करता है कि जेसन उनके साथ नहीं है। वो सबको इस बारे में बताता है। तब सब मिलकर जेसन को आवाज लगाने लगते हैं। दूसरी ओर जेसन को भी रियलाइज हो जाता है कि वो अपने ग्रुप से बिछड़ चुका है, इसलिए वो भी उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो डर कर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन मेगाबुआ उसे जकड़ लेती है। वही वाकिन इन लोगों को आवाज बंद करने को कहता है क्योंकि हो सकता है कि आवाज सुनकर जेसन आए पर कोई दूसरा बिन बुलाई मुसीबत आ जाए। फिर ये प्लानिंग करते हैं कि अब इन्हें ऑर्चिड ट्री के पास जाकर जेसन को ढूंढना होगा क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम जेसन को वहीं पर देखा था। एडम कहता है कि जब हम वहां जा ही रहे हैं तो ऑर्चिड भी ले लेंगे। वाकिन कहता है कि उसके पास ट्रैंक्विलाइजर डार्ट है जिसे अगर उसके सामने फिर से मेगाबुआ आता है तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर लेगा। एलिसन भी कहती है कि उसके पास एक फ्लेयर गन है जिसमें सिर्फ 3 ही गोलियां हैं, पर वो भी मेगाबुआ को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन वहां जाने से ग्रेस काफी डरी हुई होती है। वो जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी मगर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था, इसलिए उसे भी उनके साथ जाना ही पड़ता है। दूसरी ओर रीटा कई सारे पायलट्स को कॉल कर रिक्वेस्ट करती है कि वो डॉक्टर मालोने को रेस्क्यू करने के लिए जाए। वो डबल ट्रिपल पैसे देने को भी तैयार होती है, मगर कोई भी पायलट अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन तभी वहां पर जैकी आता है। रीटा उसे सारी बात बताती है। जैके रीटा पे गुस्सा होता है कि उसने उन लोगों को इस्ला आइलैंड भेजा ही क्यों।
रीटा कहती है कि उन्हें कुछ रिसर्च करनी थी और उन्होंने हेलीकॉप्टर के लिए अच्छे पैसे भी दिए थे। फिर जैक उन्हें बचाने के लिए राजी हो जाता है, हालांकि उसने सालों पहले ही पायलट का काम छोड़ दिया, लेकिन वो डॉक्टर मलोने की टीम को बचाने के लिए खतरा मोल लेना चाहता है। वहां वाकिन अपने साथियों के साथ ऑर्चिड ट्री के पास पहुंच जाता है। वहां अभी भी मेगाबोआ स्नेक था, साथ ही एडम पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है। वहां वॉकिन और एलिसन मेगाबोआ को अपने निशाने पर रखते हैं। मेगाबोआ को एडम दिख जाता है, तब एलिसन फ्लेयर गन फायर करती है, पर वो मेगाबोआ को नहीं लगती। तब वॉकिन ट्रैंकुलाइजर से वार करता है जो मेगाबोआ के गर्दन में लगती है और उसके मुंह से जेसन की बॉडी नीचे गिर जाती है। ये देखकर एडम पेड़ से नीचे गिर जाता है और ये चारों उस जगह से दूर चले जाते हैं। ये जेसन की मौत से सदमे में होते हैं। तभी वॉकिन कहता है कि उसके पास डायनामाइट है, उन्हें जेसन की मौत का बदला लेना होगा, मगर ये तीनों नहीं मान रहे थे। जिस पर वॉकिन कहता है कि अगर वो लोग बिना ऑर्चिड ट्रे चले जाएंगे तो वो शायद जेसन की तरह डॉक्टर मलोने को भी खो देंगे। एलिसन ये जानकर बड़ी हैरान होती है कि वॉकिन के पास डायनामाइट है। वो वॉकिन से सवाल करती है कि वो डायनामाइट लेकर इस जंगल में क्या कर रहा है। इस पर वॉकिन जवाब देता है कि इस जंगल में छोटी बड़ी बहुत तरह की मुसीबतें हैं। यह सुनकर एलिसन समझ जाती है कि मेगाबोआ स्नेक के बारे में वॉकिन को पहले से ही पता था और वॉकिन ने उन्हें मेगाबोआ के बारे में नहीं बताकर उनके साथ धोखा किया है। वो वॉकिन पर बहुत गुस्सा करते हैं और बिना वॉकिन के ही वापस अपने कैंप की ओर जाने का फैसला करते हैं। इस पर वॉकिन कहता है कि वो भी बिना गाइड के वापस कैंप तक नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर खतरा है और कई सारे हंटर्स ने यहाँ ट्रैप भी फिट किए हुए हैं। तब एडम वॉकिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उनके साथ कैंप तक चले, लेकिन वॉकिन इसके लिए राजी नहीं होता। वो तो मेगाबोआ को मारकर इतिहास के पन्नों में अमर होना चाहता है। एडम ग्रेस और एलिसन की भी मदद मांगता है, पर वो तीनों वॉकिन को वही छोड़कर कैंप की ओर लौटने लगते हैं। तब वॉकिन कहता है कि वो उन्हें एक घंटे का वक्त देता है, उन्हें वापस उसी के पास मदद मांगने के लिए आना होगा। उस तरफ डॉक्टर मलोने कहते हैं कि उन्होंने स्काई में फ्लेयर देखा, लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए बेंजी ड्रोन कैमरा उड़ाकर देखती है, उसे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन जूम करने पर उन्हें मेगाबोआ दिख जाता है। दूसरी ओर एडम ग्रेस और एलिसन तीनों वॉकिन की बुराई करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उन्हें स्नेक्स के नेस्ट दिखते हैं जहाँ काफ़ी बड़े बड़े स्नेक्स होते हैं, साथ ही वहाँ ट्रैप्स भी थे। थोड़ी ही देर में स्नेक्स इनकी मौजूदगी का एहसास कर लेते हैं और मूव करने लगते हैं, इसलिए इन्हें वहां से भागना पड़ता है और किसी तरह ये लोग वापस वॉकिन के पास आ जाते हैं। इसके बाद ये ऑर्चिड ट्री के पास जाते हैं। चोट लगने की वजह से अब एडम पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए वॉकिन प्लान बनाता है कि ऑर्चिड के पेड़ को डायनामाइट से ब्लास्ट कर गिरा दिया जाएगा। इससे पेड़ पे सोए हुए मेगाबोआ भी जाग जाएगा। वहीं एलिसन रेंगते हुए आगे बढ़ती है और ऑर्चिड के फ्लावर को हासिल कर लेती है, पर तभी वहां मेगाबोआ आ जाता है। एडम रास्ते में आ जाता है, इसलिए मेगाबोआ उसे निकल जाता है। ये देखकर वॉकिन एलिसन और ग्रेस भागने लगते हैं, मेगाबोआ भी इनका पीछा कर रहा होता है। ये दोनों भागते हुए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं जहां दीवार पे कुछ साइन बने होते हैं। ग्रेस इन साइन से एक स्टोरी समझती है कि जब मेगाबोआ अपनी स्किन छोड़ता है तब कबीले वाले इस पे हमला करते थे, लेकिन इसी बीच वहाँ ढेर सारे छोटे छोटे स्पाइडर और उनके साथ साथ एक बड़ी सी स्पाइडर इनका पीछा करने लगती है। इस पर एलिसन फ्लेयर गन से दो बार फायर करती है, इससे स्पाइडर की बॉडी में आग लग जाती है। इसके बावजूद वो इनका पीछा करते हुए केव से बाहर आ जाती है। वहां मेगाबोआ भी होता है जो स्पाइडर पे अटैक करने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर वॉकिन ग्रेस और एलिसन वहां से भाग जाते हैं। आगे इन्हें 1956 की एक पुरानी सी रिसर्च लैब मिलती है। लैब के बाहर एक केमिकल बॉन्ड होती है। वॉकिन बताता है कि अगर कोई भी इस पॉन्ड में गलती से भी गिर जाएगा तो बाहर आने पर उसकी पूरी स्किन उतर चुकी होगी। दूसरी ओर डॉक्टर मलोने और बेंजी भी बेस कैंप से निकल चुके होते हैं। उन्हें रास्ते में एडम का एक शूज मिलता है। डॉक्टर मलोने को लगता है कि शायद इन्हें उसकी ज़रूरत होगी, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। इधर वॉकिन एलिसन और ग्रेस लैब के अंदर आते हैं।
यहाँ भी इन्हें छोटे छोटे स्नेक्स मिलते हैं जिन्हें वो काट कर जला देते हैं, लेकिन उस आग से लैब में भी आग लगने लगती है। बुझाने पे भी वो आग नहीं बुझ रही थी और ये बाहर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाहर मेगा बुआ है। फिर वॉकिन प्लान बनाता है कि वो मेगा बुआ को डिस्ट्रैक्ट करेगा, तब तक एलिसन और ग्रेस जिप लाइन से भाग जाएगी। फिर वो वैसा ही करते हैं, जब तक वॉकिन मेगा बुआ को डिस्ट्रैक्ट करता है तब तक एलिसन और ग्रेस जिप लाइन के टावर पर चढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वॉकिन भी उस टावर पर आता है, लेकिन उसे फॉलो करते हुए मेगा बुआ भी आ जाता है। जब ये तीनों जिपलाइन से भागने लगते हैं तब मेगा बुआ वॉकिन पर हमला करता है और गलती से वो वॉकिन को साथ लेकर केमिकल वाले पॉन्ड में गिर जाता है। तभी वहां बेंजी के साथ डॉक्टर मलोने आते हैं। वो पॉन्ड में पड़े हुए मेगा बुआ को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो एलिसन और ग्रेस को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि मेगा बुआ बिना स्किन के पॉन्ड के बाहर आ जाता है। वो बेंजी और डॉक्टर मलोने की ओर बढ़ता है। उसी वक्त ग्रेस को केव वाली स्टोरी याद आती है कि किस तरह से कबीले के लोग जब मेगा बुआ की स्किन रिमूव हो जाती थी उसे मार डालते थे। इसलिए एलिसन और ग्रेस दोनों मिलकर मेगा बुआ पर हमला करती है जिससे उसकी स्किन कटने लगती है। मेगा बुआ गुस्से में ग्रेस पर हमला करता है, पर ग्रेस मेगा बुआ के मुंह के अंदर चली जाती है। फिर भी वो नाइफ से मेगा बुआ के सर पर वार करती है जिससे मेगा बुआ मर जाता है और किसी तरह ग्रेस बाहर आ जाती है। फिर वो देखती है कि डॉक्टर मलोने की तबीयत बिगड़ने लगी है, इसलिए वो ऑर्चिड को पीस कर खिलाती है जिससे मलोने को थोड़ी राहत मिलती है। तभी वहां हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसके बाद डॉक्टर मलोने, बेंजी, ग्रेस और एलिसन जिंदा उस आइलैंड से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद एक और मेगा बुआ आता है और वो डेड मेगा बुआ की बॉडी को निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।